आपके अपने चैनल जोगी सर की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जोगी सर की पाठशाला में। आज इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 के 14वें प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। 14वां प्रश्न क्या कहता है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और एसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर की भुजाओं पीक्यू पीआर और माध्यिका पीएम के क्रम से समानुपाती हैं। तो पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर। तो यहाँ पे ए बी पी क्यू के, ए सी पी आर के, इन्होंने ये बोला है ए सी पी आर तथा माध्यिका, माध्यिका यहाँ से ए डी, ए डी माध्यिका पी एम, पी एम के क्रम से समानुपाती है। तो हमने दिखाना क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, हमने दिखाना है। देखिए आंसर हमें क्या दिया है, ध्यान से करें इसको, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या क्या दिया हुआ है, समानुपाती जो दिया हुआ है ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर और बराबर ए डी बटे पी एम। ये बटाइए, ये बटाइए और ये बटाइए, माध्यिका यही दिया हुआ था। चलो हम इसको समीकरण नंबर एक में मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं, हम इसमें सिद्ध करना है, ये भी लिख देते हैं पहले, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमने अपनी तरफ से रचना की, हमने ए डी को आगे बढ़ा लिया और हमने पी एम को आगे बढ़ा लिया, ए डी को ई तक बढ़ा लिया ताकि ए डी बराबर डी ई, जितना ए डी है उतना ही डी ई हमने आगे बढ़ा लिया और ई सी को मिला दिया। ऐसे ही हमने पी एम को एम एल तक बढ़ा दिया और एल आर को मिला दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए डी को ई तक तथा पी एम को एल तक इस प्रकार बढ़ाया, एल तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी किसके बराबर, डी ई के, इसके बराबर बढ़ाया हमने, और पी एम किसके बराबर, एम एल के। ठीक है, फिर हमने ई सी व एल आर को मिलाया, ये हमने अपनी तरफ से कर लिया। ठीक है, अब उपपत्ति, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ले रहे हैं हम, पहले त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी तथा त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी डी में क्या है, ये कोण इस कोण के बराबर, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, कोण ए डी बी, ए डी बी किसके बराबर, कोण ई डी सी के, वर्टिकल अपोजिट, शीर्षाभिमुख कोण कर लिया। और क्या बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी क्यों है, क्योंकि ए डी माध्यिका है पी सी की, क्योंकि ए डी क्या है, माध्यिका है, अगर माध्यिका है तो इसका मतलब वो उसको आधा आधा भाग करेगी,
हो गया, और ए डी बराबर डी ई ये हमने रचना से कर लिया। ए डी बराबर है डी ई किससे हो गया, रचना से। ध्यान से देखें, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इनके बीच का कोण बराबर हो गया। तो एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट होगी, सर्वांग सम होगी। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगी त्रिभुज ई सी डी के, और अगर ये सर्वांग सम हो गई तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। कैसे देखें, इसलिए ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो गया सी ई के, ए बी बराबर है सी ई या ई सी के बराबर हो गया। और ये वाला जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। सपोज करो कोण एक कोण दो के बराबर, कोण एक बराबर है कोण दो सी पी सी टी से, ठीक है। अब इस त्रिभुज में बड़े वाले लेते हैं हम, त्रिभुज ए ई सी और इसमें, इसके लिए इनको हमने सर्वांगसम करना है, तो क्या क्या करेंगे, सॉरी समरूप करना है। यहां पे देखिए हमें दिया हुआ है ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर था, ए सी बटे पी आर बराबर है ए डी बटे पी एम, एक से इक्वेशन नंबर एक से लिया मैंने। अब ए बी की जगह, ए बी की जगह मैं क्या लिख दूं, सी ई, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी ई। अच्छा यहां पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें किया था इसमें, इसी प्रकार हम इसमें कर सकते हैं। तो यहां पे एक लाइन हम पहले लिख लेते हैं, इसी प्रकार, इसी प्रकार कौन से त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम सर्वांगसम होगी त्रिभुज पी क्यू एम एल आर एम के, त्रिभुज एल आर एम के। जैसे ये प्रूव किया है वैसे ही हम इनको प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पे ये कोण तीन हो गया, ये कोण मेरा कितना हो गया, चार। तो यहां अगर सर्वांगसम हो गया तो इसको यहां पे लिख दें, क्या हो जाएगा, पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू एल आर के, पी क्यू बराबर है एल आर, और कोण तीन बराबर है कोण चार, किससे हो जाएगा ये, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। पहले इसको किया, इसी प्रकार हम इसको कर सकते हैं, यहां पे एक बराबर दो, यहां पे कोण तीन बराबर चार, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। अब हम वापस इसके ऊपर आते हैं, तो क्या हो गया, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर ए डी बटे पी एम। अब जो हमने ए बी को बना दिया था सी ई, चेंज कर दिया, पी क्यू को मैं किसके बराबर रख सकता हूं, एल आर के, सी ई बटे एल आर किसके बराबर, ए सी, ए सी बटे पी आर, और मैं यहां पे दो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, मैंने दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप में दो ए डी, ए डी का डबल किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो जाएगा, और यहां पे पी एम का डबल क्या हो जाएगा, पी एल के, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, ये दोनों बराबर थे, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसलिए सी ई बटे एल आर किसके बराबर, ए सी बटे पी आर बराबर टू ए डी का मतलब क्या हो गया, ए ई बटे क्या हो गया, पी एल। ये सारी चीजें इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ले रहे हैं हम, इस त्रिभुज में कैसे, सी ई, सी ई कौन सी होगी, ये बटा एल आर, ए सी बटे ये, और ए ई बटे पी एल, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। अगर भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, एस 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 समरूपता से, एस 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 समरूपता से
त्रिभुज कौन सी, ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई समरूप हो गई त्रिभुज पी आर एल, त्रिभुज पी आर एल के, ए सी ई पी आर एल के समरूप होगी। अगर ऐसा हो गया तो ये जो कोण है, कोण नंबर हम चार तक ले चुके, मान लो ये कोण पाँच और ये कोण कितना हो गया छः, इसलिए कोण पाँच बराबर है कोण छः हो जाएगा, ठीक है, समरूपता से, क्योंकि अगर समरूप है तो उनके कोण भी, संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कोण एक कोण दो ये तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ इस तक यहाँ को मिलाया था इसको, जैसे हमने कोण पाँच और कोण छः सिद्ध किया है, अगर हम इसको इधर और इधर मिला दें तो मैं ऐसे ही कोण एक और कोण तीन को भी क्या कर सकता हूँ, बराबर सिद्ध कर सकता हूँ। इसलिए पूरा करने की जरूरत नहीं, हम क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार कोण एक बराबर है कोण तीन हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कोण एक प्लस कोण पांच, ये दो मान लो, ये तीन मान लो, दो प्लस तीन, तो कोण एक प्लस कोण पांच किसके बराबर, कोण तीन प्लस कोण छः, एक प्लस पांच पूरा कोण ए बन गया, इसलिए कोण ए किसके बराबर हो गया, कोण पी के, कोण ए बराबर है कोण पी। अब मैं ले रहा हूं त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हमें कोण ए किसके बराबर दिया, कोण पी के, हमने सिद्ध कर दिया, सिद्ध किया, इसके बाद ए बी बटे पी क्यू ये दिया हुआ हमें, ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर, ए सी बटे पी आर दिया हुआ है, ये ए सी बटे पी आर, एक कोण इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं अगर समानुपात हैं तो हमारा नियम कौन सा बन गया, एस ए एस समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगी त्रिभुज पी क्यू आर के, इति सिद्धम। हमें ये बटा ये बराबर ये बटा ये दिया हुआ था, हमें सिर्फ ये कोण, कोण ए और कोण पी बराबर करना था, वो हमने, फिर एक बार मैं हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ, पहले हमने क्या किया, इसके बराबर आगे, इसके बराबर आगे और इसको मिला दिया, इसके बराबर आगे इसको मिला दिया, फिर इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया, सर्वांगसम, सर्वांगसम होने से कोण एक दो के बराबर हो गया और ए बी किसके बराबर हो गया, इसी के, ऐसे ही कोण पी क्यू किसके बराबर, सॉरी पी क्यू भुजा किसके बराबर होगी, एल आर के, एल आर के, फिर हमने यहाँ पे जो दिया हुआ था इसमें ए बी की जगह क्या पुट कर दिया, सी ई, और पी क्यू की जगह कर दिया एल आर, और ए सी बटे पी आर इन्होंने दिया हुआ था, ए डी बटे पी एम को ट्वाइस कर दिया, हमने क्या किया, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के क्या कर दिया, हमने समरूप कर दिया, आगे हमने एंगल 5 और 6